नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है कि खुशियां कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। जी हाँ, ये सच है कि हर कोई किसी ना किसी वजह से परेशान है। जिंदगी में आगे निकलने की होड़ में और भागम भाग में चैन और सुकून हम कब खो बैठते हैं इसका पता तक नहीं चलता। और इस सुकून की खोज में जब हम निकलते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले टीवी के रिमोट को ढूंढता है और हम टीवी पर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो। लेकिन टीवी ऑन होते ही वही लूट, अपराध, हत्या और इसी के साथ ही धोखे की खबरें देखकर और सुनकर मानो सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन अब आपको घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनतंत्र टीवी आपके लिए कुछ ऐसी ही खबरों का पिटारा लेकर आया है जो आपके दिन भर की कामकाज की थकान को छूमंतर कर देगी, जिसे देखकर और सुनकर आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी, साथ ही जो आपके माइंड को कूल कर देंगी और आपका दिल कह उठेगा कि ये तो है गुड न्यूज। नौकरी का इंतजार करने वाले लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि मोदी सरकार ने रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के लिए अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। पीएमओ की तरफ से सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की गई और निर्देश दिया है कि मिशन मोड में अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। ये रिपोर्ट देखिए। नौकरी का इंतजार करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। दरअसल मोदी सरकार लोगों को नौकरी देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है, ये बात खुद सरकार की तरफ से बताया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी मोदी सरकार देगी। पीएमओ ने ट्वीट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की और निर्देश दिया है कि मिशन मोड में अगले 1.5 सालों में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। आइए जानते हैं कि क्या है अगले 1.5 सालों में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का सरकार का मिशन मोड। सभी विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पड़े पदों की समीक्षा करने के बाद सरकार का निर्णय, अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया गया है। ये भर्तियां मिशन मोड में की जाएंगी। पिछले कई साल से सरकारी पदों पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। सूत्रों की माने तो पहले राउंड में सेना के 40,000 पद भरे जाएंगे। सेना में 2 साल से भर्ती नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केवल रेलवे में ही करीब 3 लाख पद खाली पड़े हैं। रेलवे में 15,07,694 स्वीकृत पद हैं, जबकि भरे गए पदों की संख्या 12,07,399 है। इसी तरह डाकघर विभाग में करीब 90,000 पद खाली हैं। रेवेन्यू विभाग में करीब 75,000 पद खाली हैं। रक्षा में करीब 2.5 लाख पद खाली हैं। होम मिनिस्ट्री में करीब 1,30,000 पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएमओ की तरफ से नौकरी के ऐलान पर ट्वीट करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक और कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने समय के साथ सरकार को अधिक जिम्मेदार बनाया और सरकार का ध्यान अब लोगों पर केंद्रित हो गया है। आइए अब जानते हैं कि अब तक रोजगार के मामले में मोदी सरकार का क्या रिकॉर्ड रहा है। 2013-14 से पिछले 7 सालों में देश में रोजगार में 22% की वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र के अलावा परिवहन, शिक्षा, आतिथ्य, व्यापार जैसे अन्य 9 क्षेत्रों में रोजगार में बढ़ोतरी। स्नातक स्तर की नौकरी चाहने वालों के बीच बेरोजगारी कम हुई है। रोजगार वृद्धि की दिशा में संचालित सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से रोजगार के अवसर पैदा होने में मदद मिली है। केंद्र सरकार के विभागों में 1 मार्च 2020 तक 8.72 लाख पद खाली पड़े थे। केंद्र सरकार के विभागों में कुल 40,04,000 पद हैं, जिनमें से 31,32,000 भरे हुए थे। 2016-17 से 2020-21 के दौरान SSC में कुल 2,14,601 कर्मचारियों को भर्ती किया गया था। RRB ने 2,04,945 लोगों को नियुक्ति दी। UPSC ने भी 25,267 उम्मीदवारों का चयन किया। विपक्ष लगातार देश में महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाता आया है और केंद्र सरकार पर इसे लेकर हमला बोलता रहा है, और ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से इस कदम के ऐलान ने जरूर उन लोगों को राहत दी है जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं आजादी के बाद भारत के इतिहास में पहली बार कोई भी सरकार भारतीय सेना में बदलाव को लेकर बड़ी योजना लेकर आई है। देखा जाए तो ये सिर्फ रोजगार देने भर का मसला नहीं है, बल्कि देश की तकदीर बदलने वाली एक ऐसी अनोखी युक्ति है जो राष्ट्रीय बल को नए तौर तरीके से परिभाषित करेगा। देश की सेना में भर्ती के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना अग्निपथ को आज लॉन्च कर दिया गया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ ही तीनों सेना प्रमुखों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अग्निपथ योजना को नई दिल्ली में लॉन्च किया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। अब इस योजना के तहत सैनिकों, एयरमैन, सेलर्स की भर्ती की जाएगी। आइए जानते हैं इस अग्निपथ योजना का उद्देश्य क्या है। देश सेवा की भावना रखने वाले युवाओं को मौका देना, सेना में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म नौकरी का मिलेगा मौका, तीनों सेनाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। 2 साल पहले की बात है जब इस कॉन्सेप्ट पर मोदी सरकार ने सोचना शुरू किया था। आर्मी चीफ MM नरवणे ने सरकार के समक्ष ये सुझाव रखा था कि युवाओं को फौज में पूर्णकालिक सेवा में रखने के बजाय अल्पकालिक अवधि के लिए रखा जाए। कार्यमुक्त किए जाने की स्थिति में उनमें से अत्यधिक योग्य सैनिकों को सेना में स्थायी कमीशन में नियुक्ति दी जाएगी और बाकियों को कॉर्पोरेट सेक्टर और अन्य सिविल जॉब्स में नौकरी दिलाने में मदद की जाएगी। पिछले ही साल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट कर बताया भी था कि उनका मंत्रालय टूर ऑफ ड्यूटी पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ऐसे में अब जबकि सरकार सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर ऐतिहासिक बदलाव की नई योजना लेकर आई है, तो लोगों में इस बात को जानने की उत्सुकता है कि अग्निपथ भर्ती योजना किस तरह से नौकरी और रोजगार का बड़ा जरिया बनने के साथ साथ देश की तकदीर को बदल देगी। क्या है अग्निपथ योजना? युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। इस दौरान अग्निवीरों को अच्छा वेतन मिलेगा। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को और अवसर दिए जाएंगे। 4 साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा। ज्यादातर जवानों को 4 साल बाद मुक्त कर दिया जाएगा। कुछ जवान अपनी नौकरी को जारी रख सकेंगे। 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी। आत्मनिर्भर भारत की छाव में रक्षा क्षेत्र ने बड़े कारनामे किए और आज हम कई देशों को हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे हैं। सरकार की लगातार कोशिश है कि मौजूदा आर्थिक हालात में ऐसी योजनाएं लॉन्च की जाए जिनमें रोजगार के अवसर भी पैदा हो और देश की आर्थिक बुनियाद भी सशक्त हो, मजबूत हो। इसी मकसद के साथ सरकार ने प्रयोग के तौर पर अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया। निश्चित रूप से इस योजना से जिन लाभों को लक्षित किया गया है वो नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की दावेदारी को नकार नहीं सकेगा। भारतीय सेना में इस वक्त लगभग 13,25,000 सैन्य अधिकारी और जवान कार्यरत हैं।
हालांकि इस योजना से बल की ताकत कम होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि स्थायी नियुक्तियों पर रोक लगाने से सेना में जनशक्ति की उपलब्धता तत्काल तौर पर प्रभावित होगी। लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि 21वीं सदी में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। परमाणु हथियार और अन्य आधुनिक हथियार पारंपरिक युद्ध को सीमित करते हैं। भारत रक्षा खर्च को उस तेजी से नहीं बढ़ा सकता जिस तेजी से अमेरिका, रूस और चीन बढ़ाते हैं। इसलिए सैन्य बल की ताकत को कम करने और सैन्य आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर देश की सैन्य क्षमता को बढ़ाने का फॉर्मूला तैयार किया गया, जिसका नाम है अग्निपथ भर्ती योजना, जिसे टूर ऑफ ड्यूटी की तर्ज पर आगे बढ़ाने की शुरुआत की गई। अगर सब कुछ योजना के अनुरूप हुआ तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को तेजी से बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र की। और वहीं भारत एक बार फिर से INSTC को लेकर एक्टिव हो चुका है। भारत इसके जरूरी जरिए आपको बता दें कि रूस से सामानों को ले जाने में लगने वाले समय में कमी लाना चाहता है। और एक रिपोर्ट की माने तो ईरान के रास्ते रूस का माल भारत लाया गया है और रूस के सामानों की पहली खेप भारत भेजी गई है। भारत का ये कदम जहां एक तरफ रूस यूरोप मध्य एशियाई बाजारों तक भारत की पहुंच बनाएगी तो वहीं दूसरी तरफ समय की बचत करेगी और वहीं एक और चालाक चीन की मंसूबों पर पानी भी फेरने का काम करेगी। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत एक बार फिर से INSTC को लेकर एक्टिव हो गया है। भारत इसके जरिए रूस से सामानों को ले जाने में लगने वाले समय में कमी लाना चाहता है। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान के रास्ते रूस का माल भारत लाया गया और रूस के सामानों की पहली खेप भारत भेजी गई। दरअसल भारत इस नए इंटरनेशनल ट्रेड रूट से रूस के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए ईरान और भारत नए सिरे से काम कर रहे हैं। क्या है INSTC? INSTC 7,200 किलोमीटर लंबा जमीनी और सामुद्रिक रास्ता है। इस रूट में रेल, सड़क और समुद्री मार्ग भी शामिल हैं। इस रूट में रूस से जमीन के रास्ते सामान चाबहार पोर्ट तक लाया जाएगा, उसके बाद समंदर के रास्ते सामान को भारत के लिए लाया जाएगा। इस रूट के जरिए भारत, रूस, ईरान, मध्य एशिया और यूरोप से सीधा जुड़ जाएगा। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस नेटवर्क से यूरोप और दक्षिण एशिया में व्यापार संबंध मजबूत होंगे। 7,200 किलोमीटर इस लंबे रूट को लेकर भारत की योजना है। इसके जरिए रूस, यूरोप, मध्य एशियाई बाजारों तक पहुंच बनाई जाए और ट्रेड शिपमेंट्स को इन जगहों तक पहुंचाने में लगने वाले समय को कम किया जाए। आइए जानते हैं कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर में कौन कौन से देश शामिल हैं। इस नए रूट के शुरू होने से भारत की पहुंच सीधे यूरेशिया तक हो जाएगी। सामानों की आवाजाही में वक्त और लागत में कमी आएगी। इसी सोच के तहत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर प्रोजेक्ट की योजना भी बनाई गई थी। प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना भारत, रूस और ईरान ने साल 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में बनाई थी। इन तीनों देशों के अलावा 10 और देश भी शामिल हैं, जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया भी शामिल हैं। ये कॉरिडोर इस्लामिक गणराज्य ईरान के माध्यम से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है और रूसी संघ के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तरी यूरोप से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस रूट का प्रयोग करने पर भारत को क्या होगा फायदा, आइए जानते हैं। भारत को ईरान, रूस होते हुए यूरोप तक का रूट मिल जाएगा। रूस और भारत व्यापार के लिए सामानों को लाने ले जाने के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 40 दिन का वक्त लग जाता है। मौजूदा रूट के मुकाबले INSTC 30% सस्ता और 40% छोटा सस्ता है। ये रूट भारत को मध्य एशिया और यूरेशियाई के संसाधन समृद्ध क्षेत्र से जुड़ने का काम कर रहा है। भारत के कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रूसी रेलवे लॉजिस्टिक्स जॉइंट स्टॉक कंपनी ने कार्गो परिवहन के लिए एक समझौता किया, जिसके तहत एक ही चालान के आधार पर INSTC के तहत व्यापार होगा।
भारत के इस तरह से एक्टिव होने से चीन को झटका लग सकता है, क्योंकि चीन हमेशा भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर खेमेबाजी का प्रयास करता रहा। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत के इस कदम से चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चीन के वन बेल्ट वन रोड को टक्कर। भारत INSTC को चीन के वन बेल्ट वन रोड के टक्कर का बनाने पर काम कर रहा है। भारत INSTC को अफगानिस्तान से जोड़ना चाहता है। इस रूट के जरिए भारत मध्य एशिया और यूरोप में चीन के वन बेल्ट वन रोड के जरिए प्रभाव को कम कर सकता है। कुल मिलाकर भारत का ये कदम जहां एक तरफ रूस यूरोप मध्य एशियाई बाजारों तक भारत की पहुंच बनाएगी और समय की बचत करेगी, और वहीं दूसरी तरफ चालाक चीन के मंसूबे पर पानी भी फेरने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के हिंदी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बात की घोषणा UNO में की गई। इसके अलावा बांग्ला और इसी के साथ ही उर्दू भाषा भी शामिल की गई है। अब UN के सभी कामकाज और जरूरी संदेश इन भाषाओं में भी पेश किए जाएंगे। भारत ने UNO के इस फैसले की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के हिंदी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बात की घोषणा UNO में की गई। इसके अलावा बांग्ला और उर्दू भाषा को भी शामिल किया गया है। अब UN के सभी कामकाज और जरूरी संदेश इन भाषाओं में पेश किए जाएंगे। भारत ने UNO के इस फैसले की सराहना की है। UNO में इसके अलावा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी और फ्रेंच की भाषा मुख्य है। हिंदी सहित बांग्ला और उर्दू भाषा को किया गया शामिल। UNGA में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का कहना है कि इस साल पहली बार प्रस्ताव में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है, जिसमें बांग्ला और उर्दू का भी जिक्र है। भारत ने UNO में इस बदलाव का स्वागत किया है। दरअसल भारत 2018 के संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के साथ साझेदारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के समाचार और मल्टीमीडिया कंटेंट को हिंदी भाषा में प्रसारित करने के लिए फंड भी दे रहा है। 2018 में शुरू की गई थी हिंदी @UN परियोजना। भारत ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं। इस कड़ी में इसको मूर्त रूप देने के लिए 2018 में हिंदी @UN परियोजना शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना और दुनिया भर में हिंदी बोलने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना था। संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद का समर्थन करता है भारत। भारत के प्रतिनिधि ने फरवरी 1946 को पहले सत्र में अपनाए गए UNSC के प्रस्ताव 13(1) का जिक्र भी किया, जिसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों को तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक दुनिया के लोगों को इसके लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी न हो, क्योंकि भारत सही मायने में संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद को अपनाने का समर्थन करता है। और भारत का कहना है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करता रहेगा। इससे पहले भी UN हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस का तोहफा देते हुए हिंदी में न्यूज वेबसाइट लॉन्च कर चुका है। इस वेबसाइट की लॉन्चिंग के साथ ही हिंदी एशिया की पहली ऐसी भाषा के रूप में स्थापित हो गई थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा न होने के बाद भी ये सम्मान मिला था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी का प्रयोग करता रहा है। इसके अलावा UNO हिंदी न्यूज बुलेटिन की भी शुरुआत कर चुका है। साथ ही UNO पहले से ही हिंदी में रेडियो बुलेटिन का प्रसारण भी करता रहा है। और अब संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से हिंदी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी भारत के लिए किसी बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं अमरनाथ यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, अब बाबा बर्फानी का दर्शन करना भक्तों के लिए और आसान होगा, क्योंकि यात्रियों को अब हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होगी। गुफा की ओर जाने वाले रास्तों पर यात्रा के बचाव को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को श्रीनगर से आपको बता दें कि पंचतरणी के लिए सीधे हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को कहा है। अभी तक बालटाल और इसी के साथ ही पहलगाम से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए।
अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से मिलेगा हेलीकॉप्टर। अभी बाल्टन और पहलगाम से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। गृह मंत्रालय ने लिया फैसला, रास्तों पर यात्रा का दबाव होगा कम। अमरनाथ यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, अब बाबा बर्फानी का दर्शन करना भक्तों के लिए और आसान होगा, क्योंकि यात्रियों को अब हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होगी। गुफा की ओर से जाने वाले रास्तों पर यात्रा के दबाव को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को श्रीनगर से पंचतरणी के लिए सीधे हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को कहा है। अभी तक बाल्टन और पहलगाम से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। दरअसल प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग का दर्शन करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं। इस बार भी यात्रा में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसको लेकर बैठक की गई, जिसमें तय किया गया है कि श्रीनगर से भी यात्रियों को हेलीकॉप्टर सेवाएं दी जा सकती है। इसके लिए एक नया रास्ता जोड़ा जा रहा है, जो श्रीनगर हाईवे अड्डे के पास बड़गाम से पंचतरणी तक होगा। अभी तक अमरनाथ गुफा के पास केवल वीवीआईपी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर ही उतरते हैं। जब आम यात्रियों के लिए यह सेवा शुरू हो जाएगी, तो मात्र एक दिन में श्रद्धालु अमरनाथ के दर्शन कर पाएंगे। इस साल 30 जून से यात्रा शुरू हो रही है, जो 43 दिनों तक चलेगी। हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल अमरनाथ यात्रा को माना जाता है, क्योंकि अमरनाथ में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। लगभग एक माह चलने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 1600 फीट की ऊंचाई पर यह मौजूद है। अमरनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालु काफी मुश्किल भरा सफर करके यहां पहुंचते हैं। यह बनने वाला शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दो रास्तों से जाते हैं श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए। जो पहला रूट है वो है पहलगाम से। पहलगाम जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रद्धालु जम्मू से यहां तक बस से पहुंचते हैं। इसके बाद पहलगाम से अमरनाथ तक की यात्रा पैदल की जाती है। यह सफर करीब 34 किलोमीटर का होता है। यहां से यात्रा में करीब 5 दिन का वक्त लगता है, और यहां से कई पड़ाव को पार करते हुए भक्त आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ जाने का जो दूसरा रास्ता जम्मू से करीब 373 किलोमीटर दूर बाल्टन स्थित है। बाल्टन से अमरनाथ तक का ये सफर पहले रास्ते के मुकाबले छोटा है। इस रास्ते से भी भक्तों को कई पड़ाव को पार करना पड़ता है, जिसके बाद भक्त गढ़ बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। क्यों जरूरी है हाईटेक सुरक्षा? अमरनाथ यात्रा के पूरे रास्ते को बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि ये यात्रा हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहता है। कई बार आतंकी यहां पर हमले को अंजाम दे चुके हैं, इसलिए इस बार तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का प्रयोग किया जाएगा। ड्रोन से निगरानी की जाएगी। यात्रा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 110 कंपनियों या 10,000 जवानों को सुरक्षा में तैनात होंगे। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण बीते 2 साल से इस यात्रा का आयोजन नहीं किया जा सका था। ऐसे में कोरोना के बाद जब पहली बार इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, तो भक्तों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग है। हिंदुओं का सबसे अहम तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा को पुरातन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। माना जाता है कि यह भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में मौजूद है। यहाँ गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। शिवलिंग के अलावा इस गुफा का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि मान्यता है कि यही भगवान शिव ने पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था। ऐसे में अपने आराध्य के दर्शन करने की इच्छा रखने वाले भक्तगणों के लिए श्रीनगर से पंचतरणी के लिए सीधे हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने की योजना किसी बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।